सो कैन साम्स कॉज गाइनोकेमेस्ट्रिया, जिसको हम मेल बूब्स भी बोलते हैं. एंड सो इस टॉपिक के बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको. वीडियो में एंड तक बने रहे, एंड पसंद आएगी तो लाइक कर देना, राइट? व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मोहित परवाना. वेलकम बैक टू मोहित परवाना फिटनेस. सो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले. ओके, सो साम से क्या गाइनोकेमिस्ट्रिया होता है? तो बेसिकली गाइनोकेमिस्ट्रिया क्या है कि आपका मेल जो मेल बूस्ट की प्रॉब्लम होती है, राइट? निप्पल्स के अराउंड आपको सेंसिटिविटी हो जाती है, निप्पल्स के एरिया बढ़ जाता है, जो कि बहुत बियर्ड लगता है. हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं है, क्या आप कहो कि इससे कोई बीमारी बीमारी नहीं है, बट आपकी जो अपेयरेंस है उसको बहुत खराब करती है. तो काफ़ी लोग एनाबॉलिक्स और साम्स यूज़ करते हैं, तो उनके मन में ये क्वेश्चन होता है. और ये क्वेश्चन भी मैंने अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन से ही उठाया है. जैसे कि आपको पता है, अगर आपको कोई भी क्योरीज, एनाबॉलिक साम्स या फिर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग किसी टाइप की भी क्योरीज होती हैं, द बेस्ट वे टू रीच आउट टू मी इज़ माई इंस्टाग्राम और कॉमेंट सेक्शन. फिर मैं उसी टॉपिक को उठाता हूँ एंड उस पर वीडियो बना देता हूँ, राइट? सो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है. सो बेसिकली, जैसे वो आपको पता है, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर साम्स लोग ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं कि उनको स्टेरॉयड जैसे एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स ना हो, और बेसिकली वो सेफ वे में चीज़ें कर पाए, जो कि सच है. बट साम्स में आपको हो सकता है कि आपको गाइनो रिलेटेड इनडायरेक्टली प्रॉब्लम हो. मैं ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली होंगी, अब डर मत जाना, मैं एक्सप्लेन करूँगा वाई, क्योंकि साम्स की नॉलेज इतनी नहीं है हमारे यूट्यूब इंडस्ट्री में, और लोग एनाबॉलिक्स लेके आपको बेवकूफ़ बनाते कि सांस लिए हैं, बट क्योंकि उनको एक्चुअल नॉलेज नहीं है सांस की. सांस की रिसर्च बहुत ही डीप है, उसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, तो वीडियोस अगर बनाऊंगा तो कम से कम 200 वीडियोस बन जाएंगी उस पर. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बनाता रहूँगा. देखो, होता क्या है, जब आप सांस को बाहर से डालते हैं, सांस कैसा काम करते हैं, जैसे एनाबॉलिक्स काम करते हैं, एक एंड्रोजन बेस. इस टॉपिक को मैंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत सारी वीडियोस में, तो ये मत पूछना क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट? साम्स जब हम बाहर से डालते हैं, एज ए टेस्टोस्टेरोन काम करते हैं, बट ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, राइट? अब जब आप स्टार्टिंग में साम्स को अपनी बॉडी में डालते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन काम करता है, लॉन्गेस्ट तो थोड़ा टाइम लगा के आपको बॉडी में इफेक्ट्स दिखाता है, बट साम्स क्या करते हैं, जल्दी इफेक्ट्स दिखाते हैं. जब आप स्टार्टिंग में अपनी बॉडी में डालते हैं, तो एकदम से टेस्टोस्टेरोन जो है बाइंड होता है आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के साथ. जब साम्स बाइंड होते हैं, तो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में आपको गाइनोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो सकती है. अगर तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है पहले से गाइनोकेमिस्ट्री की, तो वो बढ़ जाएगी. समझो इस बात को, स्टार्टिंग में पहले 2 वीक्स के अंदर आपको बचना है, ठीक है, साम्स में. एनाबॉलिक्स में तो आपको होल साइकिल में AI यूज करना पड़ेगा, एरोमेटाइज इनहिबिटर, बट इसमें मैं आपको इलाज बताऊंगा कि एरोमेटाइज इनहिबिटर यूज करना है, या सर्म, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो नोलवाडेक्स टमोक्सिफेन बोलते हैं, वो यूज करना है. स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका एस्ट्रोजन बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होगा बॉडी में, जो कि कन्वर्ट हो सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा सबके साथ होगा, कुछ लोगों के साथ ये केस होगा. मेरे खुद के केस में एक दो बार ऐसा मुझे फील हुआ है कि निप्पल्स के अराउंड सेंसिटिविटी मेरी बढ़ गई है. तो मुझे, मैं तो ठीक है, मैं तो रिसर्च करता रहता हूँ, मुझे तो पता है, मैं सीखता रहता हूँ, ठीक है. आप सीखो, मैं सीखूँ, गिव एंड टेक प्रोसेस है यूट्यूब, ठीक है. तो मैं सीख रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो मैंने उसी वक्त उसको कंपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में ही, अगर तो होता है ऐसे, यूजली होता, जब हर बार नहीं होता, अगर कभी कभार हो जाए, तो मैं टमोक्सीफिन को ऐड कर लेता हूँ स्टार्टिंग के 2 वीक्स पर डे 20 mg. उससे क्या होगा, मेरे मेल होगा क्या, जो मेरी चेस्ट के अराउंड गाइनोकेमिस्ट्री टाइप प्रॉब्लम होती है, जो मेल बूब्स वाली प्रॉब्लम, जो निप्पल मेरे फूलना स्टार्ट होंगे, निप्पल सेंसिटिविटी, इचिंग वगैरह होती है, वो नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एस्ट्रोजन को वहाँ से ब्लॉक कर देगा सिलेक्टिव एरियाज पे. मैं ये नहीं चाहता कि एरोमेटाइज इनहिबिटर ले लूँ और टोटल ही एस्ट्रोजन का बंद कर दूँ, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है. जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया कि एस्ट्रोजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड मसल. सो स्टार्टिंग के 2 वीक्स में हो सकता है, बाद में बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाएगी, क्योंकि आप बाहर से चीज़ डाल रहे हो एंड्रोजन बेस, तो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टार्टिंग के 2 वीक्स आपको ध्यान रखना है. अगर तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी बार बार यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो दिखा देना, शेयर कर देना और कॉमेंट कर देना कि आपको
कुछ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है नोटिस करना, जो साम्स यूज़ करते हैं, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। और कमेंट में कुछ भी पूछो मैं वीडियो बना दूंगा, इंस्टाग्राम पे पूछो, उस पर रिप्लाई बैक भी आता है एंड वीडियो भी बना दूंगा। सो होगा क्या ना कि इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, लोगों को सेफ वे में चीज़ें करना आएंगी, बाकी आपको एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि साम्स होते ही नहीं एस्ट्रोजन में कन्वर्ट। इनफैक्ट आपको एक टेस्ट पेस्ट चाहिए होता है 10 वीक्स के बाद, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में फुली एक्सप्लेन किया था और एक दो वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो आई होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में या मेरे को पूछो, आई विल क्लियर आउट। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, एंड ओरिजिनल सप्लीमेंट्स या फिर रिसर्च पर्पज के लिए साम्स द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, जो नंबर वन ब्रांड है रशियन सोबित, इसी की अगली वीडियो इधर ही बैठ के बना रहे लगा हूँ मैं अभी, कटिंग स्टैक। तो उस वीडियो को भी वेट करना, तो वो किसी को चाहिए DM करो इंस्टाग्राम पे, और एनहांस एथलीट के सप्लीमेंट चाहिए तभी इंस्टाग्राम पे DM करो। एंड यस, टेक केयर, स्टे सेक्सी।